बाल बाल ठीक है ना बाल तो कहीं ठीक होंगे तो इस भी शैम्पू विशेष गोइंगउट डेयर फेर

के फॉर्म में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तुम्हारा दोस्त तुमको कंधे में हाथ डाल के समझा रहा है बिल्कुल क्विक जिस्ट और बहुत ही एंडरिस्ट तरीके से जो भी तुमको अंग्रेजी शब्द सोसायब देखो टाइम के नाम का मतलब पूरा चैप्टर छुपा हुआ है फॉरेस्ट सोसाइटी मतलब भाई जंगलों के हाल है फॉरेस्ट फॉरेस्ट जंगलों की बात कर रहे हैं दूसरा कॉलोनियलिज्म मतलब कि ये जब कॉलोनियल colonial, मतलब क्या होता है कॉलोनी बनाना कॉलोनी बनाना मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के आके, बोलते तो इसको हम बोलते हैं ऐसे ही ब्रिटिश दूसरी कंट्रीज जो रही होंगी, पुराने जमाने में, किसी और कंट्री पर भी राज किया होगा तो उसको भी ही बोलते हैं तो बस हमको ये देखना है तो उस देश के जंगलों का क्या हाल था ठीक है अब तुम बोलोगे जंगल के बारे में क्या बात कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है करना ठीक है चलो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा चलो बहुत अच्छा पहले तो मैं तुमको बता दूर में फॉरेस्ट सोसाइटी को लिखा फिर मतलब क्या क्या इंपैक्ट था इसके आने के कारण क्या हुआ डिफॉरेस्टेशन के जो इश्यूज थे कमर्शियल फॉरेस्ट मतलब अरे अरे भैया फॉरेस्ट से पैसा कैसे कमाया वो भी देखेंगे और बस्तर और जावा की दो स्टोरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमको है और बाकी जितने भी कॉलोनिज्म से रिलेटेड चीजें वो सारे हम देखने लगे ठीक है चलो सबसे पहले तो भाई डिफॉरेस्टेशन ऊपर की व्हाई डिफॉरेस्टेशन तो भाई देखो सिंपल सी बात है डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था डिफॉरेस्टेशन क्या डिफॉरेस्टेशन क्या होता है भैया डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत ही धड़ल्ले से पेड़ों को काटना अब धड़ल्ले से पेड़ों को कोई क्यों काटेगा ताकि उसका फायदा हो सके कैसे फायदा हो सकता है भाई या तो देखो भाई देखो मेरी बात सुनो

देने 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 के 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 लिए 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 तुमको बता कि आ तुमको थोड़ा अंदाज़ा कहानी थोड़ी फील बता कि भाई अगर इंडिया का टोटल एरिया जो भी है उस टोटल एरिया का मात्र वन सिक्स एरिया वॉज अंडर कल्टिवेशन ठीक है अब कल्टिवेशन मतलब कल्टिवेशन मतलब कि जहां पर हम क्रॉप्स उगाते हैं है तो अब जैसे ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों के खाने की डिमांड बढ़ी अब अगर लोगों के खाने की डिमांड बढ़ी तो जो वन सिक्स एरिया में जब कल्टिवेशन कर रहा था पर मैं सबके लिए खाना नहीं खा सकता पहले इस वन सिक्स एरिया में मैं सौ लोगों का खाना बना रहा था अब हजार लोग होगा तो हजार लोगों का खाने के लिए मुझे लैंड भी तो बढ़ाना पड़ेगा तो लैंड कहां से बढ़ाऊंगा क्या मैं लैंड उगा सकता हूं नहीं उगा सकता तो जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लैंड है वहीं पर मैं कर सकता हूं तो ऐसे में क्या मैं किसी के घर उजाड़ूंगा पहले नहीं मैं क्या करूंगा मैं पहले जंगल उजाड़ना चालू कर दूंगा क्योंकि जंगल में मुझे जगह मिल सकती है तो ऐसे ब्रिटिशर्स को भी लगा कि भाई जंगल किसी काम की नहीं होती है ठीक है चलो तो कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या हुआ बहुत सारे रीजन के कारण तो सबसे पहले से एक रीजन तो ये था कि पॉपुलेशन हो गई तो पॉपुलेशन होने के कारण ज़्यादा करना पड़ा अरे मतलब खेती बाड़ी कहा जंगल में तो कर नहीं सकते तो जंगल उखाड़ के हमने यहां पर खेती करना चालू कर दी तो जंगल उखाड़ के खेती करना इज नॉट गुड क्योंकि जंगल हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट है मतलब खेती भी इंपॉर्टेंट है खाना हमको वहीं से मिलता है पर जंगल उखाड़ के अगर हम वो करेंगे तो भाई जंगल के अंदर जो चीजें मिलती है वो हमको वो नहीं मिल पाएगी ठीक है चलो समझते हो गए तो आगे चल के सबसे पहले तो भाई अंग्रेज थे अंग्रेजों को क्या करना था धंधा अंग्रेजों को चाहिए पैसा इज्जत तो चाहिए ही नहीं पैसा चाहिए सिर्फ अब पैसा कैसे मिलेगा क्योंकि भाई आ, आप ऐसे क्रॉप उगाओ जिनसे आपको पैसा मिले जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अच्छी हो ठीक है तो ये क्या करते थे कमर्शियल जैसे कि जूट शुगर वीट कॉटन ये सब आप ग्रो करो अब ग्रो कहां करोगे लैंड तो बढ़ा नहीं सकते तो भाई फॉरेस्ट काटो भरे भर के काटो ठीक है चलो चलोनी स्टेट को यह लगता था कि जो फॉरेस्ट है अनप्रोडक्टिव होते हैं किसी काम के नहीं होते उनको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ जंगली पनाए फालतू का और किसी काम की चीज नहीं है इसको अगर हम कल्टिवेशन के अंदर लेके आएंगे मतलब इसको अगर हम पूरे फॉरेस्ट को काट

इस टाइम में मतलब इतने कुछ 40 सालों में जो कल्टीवेटेड एरिया था वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया मतलब करीब करीब 67 लाख हेक्टेयर्स हेक्टेयर मतलब सौ uh, हेक्टेयर मतलब वन किलोमीटर स्क्वायर होता है ठीक है तो इसको तुम अगर डिवाइड करो तो करीब करीब सत्तर हजार किलोमीटर स्क्वायर इतना ज्यादा कल्टीवेशन होना चालू हो गया ठीक है और इनको लगा अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि भाई जितना ज्यादा कल्टिवेशन होगा उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी इनको लगता कि था कि कल्टिवेशन इज ऑफ अच्छा एक और चीज बता दूं अगर तुम्हें मुझसे पढ़ने का टेक्निक नहीं पता तो टेक्निक कुछ ऐसे ही कि मैं जब तुमसे बात करता हूं तो मैं दिल से तुम्हारी बात दिल तक पहुंचा दूंगा कहानी पूरी समझा दूंगा दोस्ती यारी मजाक मस्ती में पर जो स्लाइड्स है वो तुमको रीड करनी पड़ेगी ठीक है तो जैसे मैं स्लाइड चेंज उसके पहले तुम पॉज करके स्लाइड रीड कर अगर ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा तीन से चार गुना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मुश्किल से पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेक्चर देखने और कोई दिक्कत नहीं आएगी स्लाइड रीड करता चलना कर चला जैसी में बोलू तुमको आ तो जाएगा पर रीड करता चलना ताकि एग्जाम में तुमको क्या कलेक्शन तुमको पता चल जाए ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब देखो अब अब हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या कि भाई सेंचुरी के आसपास यूरोप के अंदर जो ओक ट्रीज है बड़े इंपॉर्टेंट थे वो गायब होने लगे इंग्लैंड ने इतने काटे, इतने काटे, इतने काटे का तो सोचा तो हमारे पेड़ चले गए तो हमको जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हो हो तो जो पेड़ों से जो भी चीज हमको करनी होती है क्या क्या जैसे कि रेलवे के लिए ट्रैक्स बनाने हैं तो वो सारी चीजें हम करेंगे कैसे पेड़ तो खत्म हो गए कहां जाए कहां जाए अरे इंडिया है तो सही जितना करना इंडिया तो, तो अपना ही बिल्कुल इसको जो अपने बाप का ही इंडिया तो जो करना है वो करो तो ऐसा समझ समझ के इन्होंने बहुत चला है ठीक तो इनके लिए बहुत सब, प्रॉब्लम ये थी कि रॉयल नेवी के लिए टिंबर कहां से आएगा टिम्बर मतलब भाई रॉयल नेवी नेवी मतलब उनकी जो नेवी थी है ना जो उनकी पूरी शिप्स वगैरह का जो पूरा डिपार्टमेंट था उसके लिए टिम्बर कहां से आएगा क्योंकि वो तो लकड़ी से बन रही है उसमें मेजर बहुत सारी जगह पर तो लकड़ी का यूज हो रहा है ठीक है फिर इंग्लिश शिप्स कैसे बनेगी है ना फिर इंपीरियल अब देखो अगर शिप्स नहीं आएगी तो शिप्स के बिना भाई आपकी ट्रूप्स नहीं जा पाएंगे आप आर्मी नहीं भेज पाओगे है ना? तो 18, के आसपास इन्होंने क्या किया इन्होंने सर्चिंग ऑपरेशन चालू कर दिया इन्होंने इन्होंने बोला इन्होंने कुछ लोगों को ऐसा अपॉइंट किया इंग्लैंड वालों ने कि भैया तुम्हारा सिर्फ काम बस इतना सा है कि तुम जाओ ढूंढो कि पेड़ कहां है जंगल कहां है तुम बस जंगल ढूंढ के लाके दो तो ऐसे करके इन्होंने सर्चिंग ऑपरेशन तो ये कितने डेस्परेट थे कि इनको बस लकड़ी चाहिए इनको बस जंगल चाहिए क्यों क्योंकि जंगल के पेड़ काट दो तो पेड़ से हमारी शिप्स बन जाएंगी शिप्स बन जाएंगी तो हमारे आर्मी हम यहां पर भेज सकते हैं हम धंधा कर सकते हैं हम बड़ा ट्रेड कर सकते हैं शानदार चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और वो जो जगह तुमने काटी वहां पर कल्टीवेशन करना चालू कर दो तो वहां से जो क्रॉप हो उसका अलग धंधा हो जाएगा तो बस अपने फायदे के लिए पेड़ पर पे जलाया जा रहा था बिल्कुल ठीक है अच्छा अब रेलवे अब तो बोलोगे भाई रेलवे में क्या लेना देना ट्रेन के, लकड़ी की होती है? नहीं नहीं भाई क्योंकि देखो रेलवे की डिमांड बढ़ती गई अब रेलवेज की डिमांड बढ़ रही है, तो रेलवे बहुत एसेंशियल भी थी क्योंकि आपको सामान लाना ले जाना आपके ट्रूप्स को लाना ले जाओ सारी चीजें रेलवे से होती है तो रेलवे की अगर डिमांड इतनी बढ़ रही है तो रेलवे के ट्रैक्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे और रेलवे के ट्रैक्स में बड़ा जरूरी होता है लकड़ी का काम ठीक है देखो स्लाइड रीड करता चलना ठीक है देखो तो बेसिकली तुमको थोड़ा सा बता रखा है एक जिस देने के ना करते रहा हूं। अच्छा, ये रखना कि मैं हर, हर माइल के लिए मतलब फॉर एवरी माइल मतलब एक से डेढ़ किलोमीटर के लिए दो तो हजार स्लीपर्स के अब स्लीपर्स क्या होता बताऊंगा तुमको तुम चिंता पता चल जाएगा तो बेसिकली हमारे पहले रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट थी भाई सामान लाना ले जाना धंधा करना ये सारी चीजें जरूरी थी अब इस रेलवे के लिए फॉरेस्ट का क्या रोल था भाई हमको ये गया कि इंपॉर्टेंट है अब रेलवे क्योंकि फॉरेस्ट से जो पेड़ है उन पेड़ों से ही हमारे उन उस वुड से ही हमारा जो वुड है वही एक तरीके से फ्यूल की तरह काम करेगा हमारे ट्रेन के अंदर और दूसरा रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम आएगा ठीक है चलो एटीन तक पच्चीस किलोमीटर का ट्रैक था और 1946 तक लाख हो गया मतलब ये कुछ आ, पचास सालों के अंदर अंदर से साढ़े सात लाख तक पहुंच गया ठीक है और रेलवे की अगर डिमांड बढ़ रही है तो भाई ज्यादा स्लीपर्स लगेंगे ज्यादा स्लीपर्स लगेंगे तो ज्यादा पेड़ भैया स्लीपर्स क्या होता है तो स्लीपर मतलब सोने वाले व्यक्ति नहीं होता स्लीपर मतलब देखो खैर आजकल तो हम सिमेंट के और मेटल मतलब बहुत सारे अलग अलग यूज करते हैं उस जमाने में क्या करते यूज की देखो ये रेलवे की पटरी है पूरी अब इस रेलवे की पटरी में जो बीच बीच में जो लाइन है ना ये तुम्हारी लकड़ी है ये लड़की है लकड़ी है लकड़ी है लकड़ी है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है ये इन रेलवे ट्रैक्स को पकड़ के रखे हुए अगर मान लो बीच में होता तो, तो रेलवे ट्रेक कहीं भी निकल जाता ट्रेन तो रोजी पलटी मारती रहती तो ऐसा तो नहीं होता है तो इसलिए वुडन ब्लॉक्स अब तुम देखो कितने पास पास है तो कितने ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है अब कहां से आएंगे पेड़ों से काट तो फ्री में मिल रहा है ना देखो सीमेंट से करते मेटल से करते तो पैसा लगता

अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब देखो सरकार ने भी बड़े काम किया सरकार ने सोचा कि हम थोड़ी पेड़ काटने जाएंगे तो सरकार ने सोचा कि हमें काम करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट देते तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना चालू कर दिया कि आप जाओ और सिर्फ और सिर्फ पेड़ काट के लाओ तू तु, तु, तु हजार पेड़ काट के ला रहा है तुझे इतना पैसा मिलेगा तू दस हजार पैसा तू पांच हजार पेड़ तुझे देना पैसा मिलेगा तो ऐसा काम चलने लगे यहां पर तो पहली बात हमको ये समझ में आ गया भैया अब देखो चैप्टर चैप्टर चप्टर पर कहानी तो सुन ली अब थोड़ा चैप्टर के हिसाब से देखते हैं देखो इतनी बात समझ कि डिफॉरस्टेशन क्यों हुआ उसका क्या रीजन था ठीक है क्या सेकंड रीजन के कारण हुआ मेनली धंधे के कारण ठीक है और रेलवे के ट्रैक्स और हमारे शिप्स इन सबके कारण पेड़ की जरूरत थी हमको के बाद में, वो जो बची उस का हमने कैसे किया। चलो अब क्या हुआ कि जादा जादा को, सारे को, सारे ट्रीज को एक रीजन तो ये होगा कि भाई हमको पेड़ों की जरूरत थी एक रीजन ये होगा कि भैया तो काट के जमीन का यूटिलाइज करो दो रीजन हो गए पहला क्या है हमको पेड़ की जरूरत होगी पेड़ हमको बहुत सारी चीज मिल रही दूसरा रीजन क्या है कि आप जब पेड़ हटा दो तो पेड़ हटाने के बाद में आपके पास जो जमीन है इतनी सारी जमीन बच्ची आप उसमें कुछ भी कर सकते हो आप बढ़िया कल्टीवेशन कर सकते हो बढ़िया धंधा कर सकते हो बढ़िया चीजें ग्रो कर सकते हो बढ़िया इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजों की डिमांड है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो तो ऐसे ही टी कॉफी रबर वगैरह प्लांटेशन की चीजें आने लग क्यों टू मीट ग्रोइंग नीड इंडिया से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इनको उससे कोई लेना नहीं है इनको अल्टीमेटली करना है यहां हुआ हुआ कि यूरोप भेज दो बस अपने देश वालों के पास में ठीक है चलो तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया सारे फॉरेस्ट के ऊपर टू मतलब सारे फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया और फिर भर भर के भर भर के, भर भर के, भर भर के क्लियर करने लगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दो चार पेड़ काट रहे के लिए के। तुम सोचो कि कितना पेनफुल दिखता होगा ये नजारा तुम देखो कि तुम किसी गांव में रह रहे हो तुम्हारे आंखों के सामने एक जंगल है और वो अंग्रेज काट के ले जा रहे हैं और उस जगह पे वो कुछ चाय पत्ती या इंडिगो या इसके पेड़ उगा रहे पौधे उगा रहे या फिर उन पेड़ों से वो रेलवे के स्लीपर्स बना रहे तो सोचो कितना बुरा लगता होगा पर खैर ठीक है चलो अब आते भाई अगली चीज के ऊपर कि जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है

ठीक है फिर हम कहां जाएंगे हमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई हमको जरूरत है एक समझदार इंसान की तो ये एक समझदार इंसान को पकड़ के लाए ठीक है क्या नाम था समझदार इंसान का समझदार इंसान का नाम था डेट्रिक ब्रांडिस तो जर्मन जर्मन तो, भी यूज कर रहे हम भी कर रहे, तो अगर सब लोग यूज करेंगे तो भाई फॉरेस्ट तो खत्म ही हो जाएंगे तो इसलिए हमको किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो इस एक्सपर्ट को लेकर ही वॉज मेड द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ये ध्यान रखना कि इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन था डेट्रिक ब्रांडिस

इसने क्या किया इसने बोला कि भाई हमको एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि जब मर्जी मर करी तब काट दो जब यहां मर मर्जी तो कि तो को, कि को कितना अब अभी तक तो जैसा उनको दिख रहा था कि इसको अब ऐसी साफ सफाई नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम पहले तो प्लान भैया हमको इतना एरिया साफ करना है अब इतना ही एरिया हम कहीं और भी ग्रो करेंगे मतलब मान लो कि मुझे इतने एरिया में पेड़ साफ करने तो मैं क्या करूंगा मैं काटना चालू कर दूंगा पर एक और टीम को भेजूंगा कि इतना ही एरिया खाली जगह में ढूंढो और वहां पर ट्रीज प्लांट करो जाके तो ये इसने सबसे पहले बोला कि भाई इससे क्या होगा कि अगर आप यहां पर काट रहे हो तो आपके 10-12 साल के अंदर वाला एरिया भी रेडी हो जाएगा तो वहां पर भी काट सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो पेड़ ही काटना है ठीक है दूसरा ये बढ़िया नई चीज लेकर वो तुमको बताऊंगा ठीक है अच्छा इसने ये भी बोला कि भाई ये जितनी भी हरकतें करना चाह चाहिए इसके लिए लीगल सैंक्शन की जरूरत मतलब लीगली आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा मतलब आपको लीगल लेवल पे करना पड़ेगा कि अगर मान लो लोग उसको नहीं मानते तो ऐसा नहीं कि चल भाई ऐसा ऐसा टप्पू मार के नहीं भगाना उस पर लीगल पनिशमेंट होनी चाहिए ठीक है अगर लोग हमारी बात नहीं सुनते तो। फिर इसने बोला कि भाई जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं उनके रूल्स हम बनाएंगे ठीक है और उन रूल्स के अंदर ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ग्रेजिंग मतलब जो लोग अपने गाय भैंस चराने के लिए आते थे फॉरेस्ट uh, के अंदर उनको बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि ग्रेजिंग से तो बिल्कुल भी नुकसान ना हो पेड़ों का ठीक है और जो भी ट्रीज को कट करेगा बिना परमिशन के उसको भी पनिशमेंट मिलेगी ठीक है तो अब

और सिर्फ एक टाइप का पेड़ होगा वो रोज में तो ये देखो ये तुमको फोटो तो इसको ये लोग बोलते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट साइंटिफिक था साइंटिफिक बिल्कुल मतलब साइंटिफिक इजाद कर दिया तो सालुंग के साथ, सालूंगे के, साथ के तो इनका मतलब था कि पूरे लैंड साफ कर दो

और अंग्रेज कहां कहां कंट्रोल करते तो इसलिए अंग्रेजों ने एक बढ़िया चीज उन्होंने बोला कि हमें काम करते हैं हम एटीन सेवेंटी एक्ट के तहत सारे फॉरेस्ट जो भी इंडिया के अंदर है उनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे रिजर्व प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब यह है कि भाई ये टोटली रिजर्व है मतलब इसमें अंग्रेजों के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है यहां पर जो अंग्रेज चाहेंगे वही होगा वही पेड़ काट सकते हैं वही हंटिंग कर सकते हैं सब कुछ वही कर सकते हैं दूसरा था प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आम जनता आ सकती है बट बिना परमिशन के नहीं आ सकती मतलब आप जो है आप वुड वगैरह का यूज कर सकते हो अपने ग्रेजिंग वगैरह ऐसी चीजों के लिए, के लिए यूज नहीं कर सकते और तीसरा था विलेज फारेस। विलेज फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब जहां पर अंग्रेजों को लगता था कि फॉरेस्ट फालतू किसी काम का नहीं है बहुत सारे टाइप के फालतू के पेड़ है यहां तो ये छोड़ दो इनके ऊपर हम फालतू करके लेके क्या करेंगे तो विलेज फॉरेस्ट है तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था ठीक है चलो तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं ले लिया सकता था पर्सनल यूज के लिए यहां पर इन दोनों प्रोटेक्टेड विलेज में हाउस बिल्डिंग फ्यूल के लिए ले आ सकते थे ठीक है अगर आपको हाउस बिल्डिंग बनाना है घर बनाना है लकड़ी का घर लकड़ी के घर भी होते थे फ्यूल के लिए चाहिए तो आप ले जा सकते हो परमिशन लेके पर फिर भी आप काफी सारी चीजें नहीं कर सकते तो मन से अगर आपको पेड़ काटना हो तो आप पेड़ नहीं काट सकते आपको बिल्कुल यूज बताना पड़ेगा कि मैं इसलिए यूज करना चाहता हूं ठीक है और विलेज वाला काफी फ्री रहता था तो तुम सोचो कि भाई अभी तक जो फॉरेस्ट जो जंगल सबके थे जो धरती माता ने सबके लिए दिए थे अब वो कैसे अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया ठीक है चलो आगे और कहानी इंटरेस्टिंग होती चलेगी अब लोगों की जिंदगी कैसे इफेक्ट हुई तो देखो इस पूरी में दो टाइप के लोग हैं है। तो उसको इस बात से फरक नहीं पड़ेगा कि कहीं में बसे, किसी, किसी फॉरेस्टने का क्या रोल हो रहा है तो, उसको उस बात से लेने देने नहीं। तो ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है जंगलों के ऊपर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसका फर्क दो लोगों को पड़ेगा एक तो जो विलेजर्स है जो जंगल एरिया में रहते हैं वो और दूसरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद मतलब जो अंग्रेज हो गए खुद तो विलेजर्स को क्या फर्क पड़ा देखो बेसिकली विलेजर्स की क्या जरूरत थी विलेजर्स की जरूरत थी भाई उनको फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती थी क्यों क्योंकि भाई फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती थी फ्यूल, है ना? जो उनकी मेडिसिनल मतलब मेडिसिन्स मिल जाती भाई फॉरेस्ट के कितने एडवांटेजेस है ना आपको घर मिल जाएगा आपको मेडिसिन मिल जाएंगी आपको खाना मिल जाएगा आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको रहने के लिए कई बार जगह मिल जाएगी आपको फ्यूल की तरह उसको यूज कर सकते हो आप उन पेड़ की टहनियों से कुछ और चीजें बना सकते हो अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तो इनको तो जरूरत थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जरूरत थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बस शिप्स लिए रेलवे बनाने के लिए बस धंधा करने के लिए ठीक है और इनको था कि भाई जो भी पेड़ हो वो ऐसे वुड हो मतलब एकदम हार्ड वुड के हो टॉल हो एकदम स्ट्रेट हो जैसे टीक और साल तो जनरली ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर जो पेड़ उगाते थे ना ये जनरली टीक और साल के होते थे क्योंकि इनको चाहिए था भाई इतने सारे पेड़ होगा तो उल्टे सीधे हो तो होगा होगा जिससे आपका फायदा होगा वही होगा होगा तो वैसा काम करने लगे ठीक है अब देखो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस क्यों थी फॉरेस्ट ऊपर डिपेंडेंस कई सारी चीजों थी है ना भाई हमको फॉरेस्ट से रूट्स मिलते हैं लीव्स मिलते हैं फ्रूट्स ट्यूबर्स अच्छा ट्यूबर्स क्या होता है ट्यूबर्स मतलब जो रूट के अंदर जो सब्जियां होता है ना जैसे आलू पोटेटो टाइप ऑफ ट्यूबर जो रूट्स के अंदर मिलता है हमको ठीक है तो ये सब मेडिसिन हो गई एग्रीकल्चर हो गया ठीक है फिर बेम्बू से हमारी बन जाती है बंबू ट्रीज जो होते हैं उससे हमारे घर की जो है 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 बाउंड्री वाले वो बन सकती ठीक पोर्टेबल वाटर बॉटल्स बन सकती है कप, सब कुछ बन सकता है इससे ठीक है देखो ये सारी चीजें बन सकती है बड़ी खूबसूरत पॉज करके सब रीड करते हैं ना ठीक है पर अब चूंकि फॉरेस्ट एक्ट आ गया तो ये सारी चीजें इलीगल हो गई किसी भी चीज को यूज करना तो लोग बड़े परेशान हो गए है ना तो अब देखो बात है लोगों को फॉरेस्ट तो जाना ही है है ना आपकी ये तो नेसेसिटी है भाई मैं तुमको बोलूंगा कि आज से इंटरनेट बंद तो अभी तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इंटरनेट चलाने की कोशिश करोगे ना क्योंकि तुम्हारे लिए जरूरत तो तुम्हारे लिए लिए नेसेसिटी है क्या तुम्हारे तो फिर भी एंटरटेनमेंट या इस टाइप के लिए एजुकेशन वगैरह के लिए जरूरी होगा पर उनके लिए तो लाइवलीहुड भाई रोजी रोटी खाना पेट भरने पर पे बात आ गई थी तो वो तो जाते ही फॉरेस्ट तो वो क्या करते तो चोरी छुप फॉरेस्ट जाने लग गए है ना अब देखो लोगों के अंदर गुस्सा तो था है ना आप तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम डायरेक्शन समझ गए कहा जाने के बिल्कुल सही समझ रहे हो कि अब लोगों का होगा गुस्सा और लोग अब लड़ना चालू करेंगे पर उसके पहले पहले लोगों ने कोशिश की कि भाई चोरी करके चलाओ तो

अब फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को कैसे इफेक्ट किया अभी तक तो हमने देखा भाई फॉरेस्ट रूल्स ने लोगों को कैसे इफेक्ट किया लोगों की मतलब अंग्रेजों और इसमें देखा हमने अब देखते हैं भाई कल्टीवेशन मतलब कि ये जो जिस टाइप से हमारी कल्टीवेशन हैबिट्स मतलब हमारी जो खेती बाड़े करने की जो पूरी वो थी स्टाइल थी उसको कैसे बदल दिया फॉरेस्ट लॉस के कारण है ना देखो फॉरेस्ट लॉस क्या है आरी बात समझ में अभी तक फॉरेस्ट लॉस कुछ नहीं बस ये बता दे कि भाई फॉरेस्ट जो है वो कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा हम जो चाहेंगे वो करेंगे अब चूंकि अंग्रेज अपने हिसाब से पूरे पेड़ पेड़ काट रहे तो वो इस चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कहां कल्टिवेशन होगा नहीं क्योंकि वो पेड़ काट इसलिए ताकि कल्टिवेशन हो पाए ठीक है तो अब कल्टिवेशन के ऊपर भी वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करेंगे तो क्या कंट्रोल किया उन्होंने सबसे पहले तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी सबके लिए उसको इन्होंने बैन कर दिया मतलब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते ठीक है दूसरा अब शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि भाई ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है सब जगह अच्छा अब ये तीन करना है, ये सब याद करना इसमें अफ्रीका साउथ एशिया की और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है जैसे कि यहां पर इसको आप मिल्पिया मेल्पा फिर च, 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 चेना ये सारे नाम से बोलते हो और इंडिया के अंदर भी ध्या पेंडा बेवर झूम पोडू ऐसे करके अलग अलग नाम है तो ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन यही अब भैयावेशन है नाम में क्या समझा शिफ्टिंग

ट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर तो बेसिकली इनका ऐसा मानना था कि जिस लैंड पे जिस लैंड पे हम बार 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 कल्टीवेशन करते हैं वो लैंड जो है वो रेलवे के लिए जिन ट्रीज की जरूरत है जो अच्छी बड़े स्ट्रेंथ वाले ट्रीज की जरूरत है उनको ऑब्वियसली तो अगर हम ऐसे जगह पर बार 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 क्रॉपिंग करते हैं तो वो सॉइल इतने अच्छी क्वालिटी के ट्रीज नहीं उगा सकता दूसरा इन्होंने बोला कि अगर आप फॉरेस्ट को जलाओगे तो भाई क्या गारंटी की आग सिर्फ उतने-उतने में रहेगी मान लो गलती से आपने सिर्फ इतने से एरिया को जलाया और वो आग अगले पेड़ में फैल गई तो फॉरेस्ट फायर लग सकती है तुमको जलाना इतना सा था तुमने पूरा का पूरा फॉरेस्ट जला डाला तो ये भी तो हो सकता है तो ऐसा अंग्रेजों ने बोला

ठीक है खुद शौक से हंटिंग करते हैं मतलब ये तो इंडिया के अंदर राजा महाराजाओं के टाइम से कल्चर रहा है कि आप जितना बड़ा जानवर हंट करोगे उतनी बड़ी आपके उतनी बड़ी आपकी होगी लग होगी तो वो चीज अंग्रेज भी करने लगे तो अंग्रेज ने क्या किया अंग्रेज ने बिल्कुल अपने शौक के लिए हंटिंग करना चालू कर दी और ये बोलते थे कि हमें जो डेंजरस एनिमल्स है इनको इसलिए मारे ताकि इंडिया को सिविलाइज करता है आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा कि भाई ये शेर चीता इनकी जरूरत क्या है इनको मारो खत्म करो ये रहेंगे तो भाई हम कैसे रहेंगे इन्होंने हमको मार दिया तो ऐसा बोल बोल के इन्होंने बहुत सारे हंटिंग करना चालू कर दिया और ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन करता था ठीक है यहां पर तुमको स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि कितने क्या लेपर्ड्स मारे कितने का किस टाइम पे क्या मारा वो तुमको पता है तुम रीड कर सकते हो महाराजा और सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एक आदमी ने इतने शॉट कर दिए ठीक है तो ये सारी चीजें हो रही थी और कई सारे एरियाज जो है वो सिर्फ हंटिंग के लिए भी उन्होंने पैक करके कर रखे थे ठीक है चलो इतनी बात क्लियर हो गई हमने क्या क्या देख हमने देख uh, क्या 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 हमने देख लिया कि भैया कैसे फॉरेस्ट लॉज आए फिर उसके कारण लोगों के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ा कल्टिवेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर क्या फर्क पड़ा डिफोरे क्यों हुआ पहला हमने वो देख लिया था और हमने ये भी देख लिया कि भाई हंटिंग के ऊपर क्या असर पड़ा अब देखते हैं न्यू ट्रेड न्यू इम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेस अब देखो ये जो अंग्रेज धंधा कर रहे हैं अब धंधे से जरूरी तो नहीं था चूंकि उन्होंने नए धंधे चालू कर थे कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट देना हो गया या पेड़ काटना हो गया या फिर कल्टीवेशन करना होगा तो इससे जो कल्टीवेट कर रहा है जो फार्मर उस रीजन में कल्टीवेट कर रहा है उसका भी थोड़ा तो फायदा हुआ होगा ना तो ऐसे करके बहुत सारे फायदे भी कुछ लोगों के ठीक है चलो जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो इसे आ, देखो सिर्फ इंडिया की बात तो कर रहे करें पूरी दुनिया की बात कर करें अभी तक मैं इंडिया की बात कर रहा था पर कुछ कुछ एग्जाम्पल तो दुनिया में मिलेंगे जैसे मुंदरुकू पीपल है मुंडरुकू उनका जो रीजन है या उनकी जो अपने आपको जो नाम है जो ट्राइब का नाम है वो मुन्ुक है ये ब्राजीलियन एमेजॉन में मतलब ब्राजील वाला जो रीजन है वहां पर है तो ये लोग क्या करते थे ये लोग रबर ट्रीज ट्रेडर्स को सप्लाई करते थे मतलब रबर ट्रीज नहीं पर जो रबर ट्रीज है जो रबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस टाइम पे तो रबर के जो ट्रीज होते थे उसके ऊपर जो बाहर लेटेक्स था, मतलब जो से चिप होता था मतलब चिपचिपा होता था जिसमें एक्चुअल रबर बनता था तो रबर का जो रॉ मटेरियल था वो निकाल निकाल के इन ट्रेडर्स को बेचते थे तो ये इनका फायदा होता था इससे ठीक है फिर मिडिल पीरियड से हमने देखा है कि जो आदिवासी लोग हैं जो ट्राइबल पीपल है वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीजों में ट्रेडिंग करते जैसे स्पाइसिस में हो गई स्टोन में हो गई या बंबूज में हो गई ठीक है चलो अब अब चूंकि ब्रिटिशर्स कर रहे हैं धंधा है ना देखो ऑब्वियसली बात है कि कुछ लोगों को फायदा तो हो ही होगा पर अल्टीमेट कंट्रोल किसका है ब्रिटिश का तो ब्रिटिश जो चाहे वो कर सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई कंट्रोल अपने पास में फॉरेस्ट अपना है ना अपने पिताजी का फॉरेस्ट है तो हमको जो करना हो करेंगे तो फॉरेस्ट अगर अपना है और सब कुछ आपका है तो आप क्या करोगे यहां पर कि अपने ही लोगों को बढ़ावा दोगे तो इसलिए उन्होंने क्या पूरे फॉरेस्ट एरिया थे कि भाई इतना बड़ा लैंड है इसके ऊपर कल्टिवेशन कौन करेगा इंडियंस नहीं छोटे मोटे पार्ट दे देंगे इनको पर जो बड़े बड़े एरिया ऐसे जो बड़े हाईली फर्टाइल फर्टाइल जहां पर बहुत अच्छे क्रॉप उग सकते हैं वो हम किसको देंगे वो हम अपने ही यूरोपियन फर्म्स को देंगे तो इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को यूरोप से बाकायदा बुलाया कि साहब आप आओ आप हम आपके आप, आप, लिए सौगात लेके आए हैं आप यहां पर उगाओ करो धंधा अपना सबको अपने अपने लोगों को बढ़ावा देना तो ये अपने अपने लोगों को बढ़ावा दे रहे थे ठीक है इस चक्कर में जो पेस्टोरलिस्ट और नोमेटिक कम्युनिटी नोमेटिक मतलब वो लोग जिनका कोई घर नहीं होता जो जंगलों में जैसे कुछ महीने यहाँ रहिए फिर कुछ महीने वहां ले, फिर कुछ महीने डिपेंडिंग ऑन द वेदर डिपेंडिंग ऑन द फूड डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग तो यहाँ वहां वहां रहे ऐसे करके कर जो लोग जाते हैं उनको नोमेटिक के पेस्टोरिस्ट बोलते हैं तो इन लोगों का बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि भाई इन लोगों के लिए रहने के लिए जो जगह थी खाने के लिए जो जगह थी वो कौन से थे पेड़ पौधे ही थे

ठीक है कानू संथल फिर बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा तुमने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा छोटा नागपुर तो अभी बिरसा मुंडा जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो बिरसा मुंडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ठीक है फिर अल्लूरी सीताराम राजू तुमको सुनने को मिलेगा टेंथ क्लास के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू वॉज अ फ्रीडम फाइटर एज वेल ठीक है तो इन्होंने ये सारी चीजें की तो इन्होंने क्या किया इन्होंने आ, इनको आज भी लोग अपने गानों में अपनी स्टोरीज में याद करते हैं मतलब ये उन लोगों के लिए भगवान है जो ट्राइबल पीपल है जो इनको पूजते हैं ठीक है अब हम ऐसे ही एक कहानी देखने वाले तो बेसिकली हमने देख लिया कि लोगों को, लोगों ने सब जगह भी था तो इसीलिए हम पूरे इंडिया को नहीं पढ़ेंगे मतलब एक एक जगह तो तो जाएंगे तो हम बस्तर नाम की एक जगह के बारे में बात करने वाले कि इस बस्तर नाम की जगह में क्या हुआ और कैसे रिबेलियन हुआ तो बस्तर पहले है क्या तो बस्तर ध्यान से देखो तो भाई ये छत्तीसगढ़ के साउथ में जो ये ये छोटा सा रीजन है यहां पर बस्तर है ठीक है छत्तीसगढ़ के इधर कोने में छोटा सा रीजन है अरे ये क्या हो गया ठीक है चलो ये बात समझ में आ गई अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखना Uh, बस्तर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और अंग्रेजों को भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ही सही लोकेशन पे ठीक है सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन प्लेट्यू नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू छत्तीसगढ़ प्लेन में आता है मतलब ये जो है छत्तीसगढ़ प्लेन में आता है और जो सदन पार्ट है ये कहां आता है गोदावरी प्लेन में ठीक है और रिवर इंद्रावती अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट ठीक है तो ये जो इंद्रावती नाम का रिवर है ये इधर फ्लो हो रहा है बस्तर में ईस्ट टू वेस्ट ठीक है इस टाइप से फ्लो हो रहा है अब यहां पर कौन कौन सी कम्युनिटी देखो अब बस्तर है तो बस्तर का पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि बस्तर है क्या और कहां है फिर यहां पे क्या हुआ वो हम देखेंगे तो पहले समझ जाओ कि बस्तर क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा नाम बस्तर कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है बहुत बड़ी सिटी का तो जो नाम सब सुना होगा तो इसलिए पहले तुम तुमको बुक के अंदर ये देखा है कि तुम आराम से पहले समझ जाओ फिर यहां पर मारिया मुरिया गज दोरवाज भतराज हलबाज ये सब अलग अलग कम्युनिटीज रहती थी अब हुआ क्या

ध्यान रखते थे फॉरेस्ट का बिल्कुल अपने घर की तरह ध्यान रखता था उसका ठीक है बहुत रिस्पेक्ट भी शो करते थे ठीक है चलो और जैसे मान लो कि ये लोग बहुत ओपन भी थे मान लो कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है कोई दूसरे विलेज का मान लो जैसे मेरा विलेज है तो मेरा जो फॉरेस्ट है उसकी रखवाली मेरे सारे गांव के लोग कर रहे हैं अब अगर मान लो पास वाले फॉरेस्ट पास वाले गांव से कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना फॉरेस्ट यूज करने देते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करने देंगे और उसके बाद हम थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं फीस को चार्ज करते हैं क्योंकि उसी फीस के पैसों के बदले हम उस फॉरेस्ट को मेंटेन कर पाते हैं सिंपल सी बात है ना हम उस फॉरेस्ट को मेंटेन जैसे हम आज जाते हैं किसी भी मान लो से लोटू ऑफ यूनिटी जा रहे हो तो पैसा क्यों लग रहा है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है ना मूर्ति फिर भी जाने के लिए पैसा क्यों लगता है

से पहले से चलता आ रहा है ठीक है पर अब हुआ क्या कि अंग्रेजों की खबर पता चल गई अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में रख लेंगे मतलब रिजर्व कर देंगे टू मतलब इंडिया का सत्तर परसेंट फॉरेस्ट ये अंग्रेज अपने कंट्रोल में रिजर्व कर लेंगे ठीक है जहां पर ये शिफ्टिंग वही सारी चीजें करेंगे शिफ्टिंग स्टॉप स्टॉप कर कर देंगे हंटिंग कर देंगे हंटिंग ठीक है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आ नहीं सकता तो इस चक्कर में कि जो बस्तर के लोग थे उनको हो गई बड़ी चिंता क्यों चिंता होगी कभी फॉरेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही और साथ में हम फॉरेस्ट को पूजते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए भगवान की तरह है और हमारे भगवान के ऊपर कोई ऐसा सवाल उठाए हमारे भगवान के ऊपर कोई ऐसी आंच आए तो हम तो ऐसा अफोर्ड कर नहीं सकते ठीक है तो इसीलिए बस्तर के लोगों ने अपनी जगह पे बहुत सारा वो करना चालू कर दिया मतलब अब धीरे धीरे तुम देखोगे अच्छा जब अंग्रेज ऐसा कर रहे थे सभी विलेजेस के ऊपर तो कई सारे विलेजेस के लोगों को अलाउ भी कर दिया कि आप रह सकते हो रिजर्व फॉरेस्ट में पर

कुल मिला के उनको बिल्कुल परेशान कर रखा था उनकी बिल्कुल जीना बिल्कुल बिल्कुल जीना हराम कर दिया था उनका ठीक और 1900 और 1900 और 1900 और 1900 है किसी भी कारण मान लो कि बाढ़ के कारण अर्थ के कारण किसी भी कारण अगर आपकी उस साल की जो प्रोड्यूस है उस साल की जो फसल है वो पूरी फेल हो जाती है तब आता है फेमिन यानी कि भुखमरी के पास खाने के लिए खाना नहीं होता और भुखमरी से लोग मर जाते हैं ठीक है चलो अब ये सारे चीजें होते हुए कई सारे लोग जो हैं वो साथ में आके इन सारी चीजों पर डिस्कस करने लगे जैसे कि ऑफ कंगर फॉरेस्ट इन्होंने इन्होंने क्या किया सबसे पहले सबसे पहले रिजर्वेशन कहां पे हुआ था धुरवास ठीक है ऑफ कंगर फॉरेस्ट तो कंगर फॉरेस्ट था जहां पर सबसे पहले रिजर्वेशन हुआ था तो वहां के जो लोग थे धुरवास जो कम्युनिटी थी उन्होंने इनिशिएटिव लेना चालू किया और इसकी जो लीडरशिप थी वो थी गुंडाधूर की पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधूर फ्रॉम विलेज नेथानोर ठीक है तो ये लोग लीड कर रहे थे पूरी के पूरे उसको ठीक है चलो तो हुआ क्या 1910 के आसपास मैंगो बॉल्स लंप ऑफ अर्थ चिलीज बेसिकली इस टाइप के सारे सिग्नल्स अलग अलग विलेज में भेजा जाता था मतलब देखो ऑब्वियसली बात है इन लोगों को पता तो चल गया था कि अगर हम अकेले रिवॉल्ल्ट करने जाएंगे तो अंग्रेज हमको धूल चटा देंगे तो इसमें तो इस तो सबसे सब पहले तो साथ में आना पड़ेगा आप साथ में कैसे आएंगे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे नहीं व्हाट्सएप ग्रुप तो था नहीं तो आपको सब लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजने पड़ेंगे तो ये इस टाइप के इंडिकेशन भेजते थे सब आसपास के विलेजेस में कि भाई अब रिबेल के लिए तैयार हो जाओ अब हमको बिल्कुल रिवॉल्ट करना ही करना है ठीक है ऐसे करके देता था और कैसे करते थे बाजार लूट लेते थे जितने भी हाउस ऑफिसर थे जितने भी ट्रेडर्स थे जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उनके घर लूट लेते थे उनको पकड़ पकड़ के मारते थे। मतलब वही जैसे कि आप अपना गुस्सा कैसे निकालोगे तो जिन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया आप उनके घर लूटना चालू कर दोगे ठीक है चलो विलियम वर्ड नाम के एक मिशनरी ने अपनी किसी किताब वगैरह में यह भी लिखा है कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर तो भाई जगदलपुर का जो पुलिस स्टेशन था उसके अंदर इतने लोग आ गए इतने सारे लोग बिल्कुल एक साथ टूट पड़े ठीक है अब ऑब्वियसली बात है कि अगर लोग टूट पड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स तो रहेंगे नहीं तो उन्होंने भी अपनी रिवर्स उन्होंने भी चालू कर दी अब आदिवासी जो थे जो आदिवासी लोग थे उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं हम बैठ के समझौता कर रहे थे ब्रिटिश तो करना ही नहीं समझौता तो फिर इनका गुस्सा और बढ़ गया तो ये बेसिकली uh, अब फिर जितने भी लोग थे ये जितने भी अंग्रेज थे इन्होंने सोचा कि अब हमको लोगों के अंदर डर पैदा करना पड़ेगा तो क्या करते थे ऐसे पूरे विलेजेस में से मार्चिंग करते थे ठीक है ऐसे पूरे विलेजेस में से मार्च करते करते जाते थे ताकि सबके अंदर खौफ रहे उनका ठीक है कई सारे विलेजेस को पूरा डिजर्ट भी कर दिया मतलब कि लोगों को भगा दिया वहां से ठीक है तो ये सारी चीजें होने लग गई पर इन सबके बावजूद भी गुंडाधुर जो जगह है पर कभी भी ये कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अपने मतलब जो के लिए लड़ रहे हैं अपने हक के लिए वहां पर रिजर्वेशन को टेंपरली सस्पेंड कर दे। कि चलो, छोड़ दो रखा। तो को पता था कि ये लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा और फिर फालतू में लड़ाई और आगे बढ़ेगी ठीक है चलो तो 1910 तक जो रिजर्व एरिया था वो जितना उन्होंने सोचा था ना उसका आधा ही हो पाया मतलब इतना इतना एरिया को हम रिजर्व कर देंगे उससे सिर्फ आधा ही हो पाया ठीक है चलो अब इंडिपेंडेंस के बाद में भी इंडिपेंडेंस के बाद में भी ये तो चीज समझ आ आओ तुमको तो पूरी पूरी है अब पर इंडिपेंडेंस के बाद में भी काफी हद तक ऐसी चीजें चलती रही इंडिपेंडेंस के बाद में भी लोग पूरी तरीके से समझ में और इनफेक्ट आज तक भी हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए कि फॉरेस्ट की इंपोर्टेंस और हमको उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए ठीक है 1970 तक वर्ल्ड बैंक ने बोला कि चार हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी बाय ट्रॉपिकल पाइन मतलब आपका जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है जो नेचुरल है है ना बेसिकली देखो एक चीज बता तुमको कि जब भी हमने नेचुरल फॉरेस्ट के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की और वहां पर कुछ और उगाने की की कोशिश तो हमेशा बर्बादी हुई है तो वर्ल्ड बैंक ने क्या सोचा वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि भाई ये ट्रॉपिकल पाइन uh, के उगाओ पेड़ है ना ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट उगाओ उससे क्या होगा जो पेपर होता है उसके लिए पल्प मिलेगा पेपर किससे बनता है हमारा पेड़ों से बनता है ना तो पेपर के लिए पल्प मिलेगा ठीक है पर इनको बाद में पता चला कि भैया

और फिर इनको स्लीपर्स भी चाहिए थे जैसे अंग्रेजों को स्लीपर्स चाहिए थे वैसे सिर्फ इंडिया के अंदर थोड़े ना रेलवे बना था दुनिया के अंदर बना रहा था है तो टू तक तो दो लाख अस्सी हजार स्लीपर्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन है ना तो कई सारी चीजें एक्सपोर्ट भी की उन्होंने मतलब जावा से जो डच लोग थे उन्होंने वहां से बहुत सारे स्लीपर्स बना के एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया वही धंधा करना चालू कर दिया ठीक है अब डच ने क्या किया डच ने एक बड़ी बड़ी एक शानदार चीज की उन्होंने बोला कि हम एक रेंट लगाएंगे आपके ऊपर है ना पर मतलब जो भी लोग फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं उनको रेंट भरना पड़ेगा और अगर आपको रेंट नहीं भरना है तो फिर क्या करोगे आप सिंपल हमारे लिए फ्री में काम करो ठीक है फ्री में हमारे लिए काम करो हमको फ्री में लेबर दो तुम्हारे जो बफेलोज है उनकी मदद दो तुम्हारे जो भी ट्रांसपोर्ट हमारे टिम्बर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करो ठीक है तो इस सिस्टम को बोलते हैं ब्लैंडोंग डाइस्टेंस सिस्टम ब्लैंडोंग डाइजेंट सिस्टम मतलब क्या कि या तो रेंट दे दो या फिर हमारे लिए फ्री में काम करो ठीक है अब आते हैं भाई एक सैमिन नाम के व्यक्ति के ऊपर जो कि बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और जैसे हमारे इंडिया में बिरसा मुंडा है अल्लू सीताराम राजो के अंदर चैलेंज देना मतलब बेसिकली चैलेंज बोला ऐसा कुछ नहीं चैलेंज कर बता इन्होंने बेसिकली ये बोला जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारा फॉरेस्ट हमारा फॉरेस्ट इनको अधिकार किसने दिया हुआ टू ओन धिस लैंड ये तो ने दिया ना तो सबका है इसकी ओनरशिप किसी के ऊपर कैसे हो सकती है ये ओन तो कैसे कर सकता है और इसकी जो बात थी लोगों को चमकी ठीक है इन्होंने बोला कि भाई स्टेट सिंपल सी बात बोली इसने कि स्टेट ने कोई क्रिएट तो क्या नहीं है ना तो विंड किया है ना वाटर किया है ना अर्थ किया है वुड किया है कुछ भी क्रिएट नहीं किया

तुमने देख लिया कि भाई कैसे फॉरेस्ट के ऊपर भी लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है अपने पिछले इतिहास में आज जो हम फॉरेस्ट को इतना फॉरग्रांटेड लेते हैं वो इतना फॉरग्रांटेड

जाके चैनल पर फॉलो करना मस्त अपडेट्स के लिए और साथ में अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो भाई टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करो वहां पर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं पढ़ लेके आप जरूर डाउनलोड कर रहे हम लोग मिलते तो गुड बाय टेक केयर जय हिंद वंद मात्र